जमशेदपुर के शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निकाय जेएनएसी के पास कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। आवारा कुत्तों की सड़कों पर घूमने के कारण कई बार दुर्घटनाओं से आमजनों की जान भी जा चुकी है। जमशेदपुर में झारखंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके द्वारा पूर्वी सिंहभूम में घूम घूम कर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना और उसका इलाज 1995 से ही किया जा रहा है, जिसके संस्थापक सह अध्यक्ष अरुण कुमार झा, सचिव उत्कर्ष कश्यप और आकाश ने टीम बनाकर पूरे लॉकडाउन में जानवरों को खाना खिलाया और समय समय पर उनका इलाज करवाया। वैसे ये काम ये 25 साल से करते आ रहे हैं, जो आज भी जारी है। शहर के सड़क किनारे गली के कुत्तों का आतंक आमजनों के लिए प्रतिदिन की समस्या बन चुका है। जमशेदपुर में कोरोना महामारी के दौरान गली के कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। शहर में पिछले 6 महीनों के दरमियान कुत्तों ने 121 लोगों को जख्मी कर अस्पताल का रास्ता दिखाया है। जमशेदपुर के शहरी इलाकों के ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिलता है। वहीं साक्ची, बिरसा नगर, टेल्को कॉलोनी, मानगो बाजार, काशीडी, जुबली पार्क, सोनारी मरीन ड्राइव, टेल्को प्रकाश नगर, एमजीएम अस्पताल, नया कोट, पुराना कोट, बारीडी बाजार, विजय गार्डन के समीप, हुरलुंग बस्ती, साक्षी गुरुद्वारा, सीताराम डेरा, भालूबासा, बिष्टुपुर, डिमना, एनजीएम हॉस्टल के समीप, परसुडी, इन तमाम स्थानों पर मॉर्निंग वॉक करते समय, राह से गुजरते वक्त, शाम में घूमते वक्त आपको कुत्तों की फौज दिख जाएगी, जिसके कारण आमजनों को प्रतिदिन समस्या से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, रात के वक्त सुनसान इलाके में कुत्तों ने अपनी टीम बनाकर हमला करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। उधर मानगो थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड के समीप गुरुद्वारा के रहने वाले एक 3 वर्षीय बच्चे को वर्ष 2013 में गली के कुत्तों ने दबोच कर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं सीतगोड़ा थाना क्षेत्र के टेल्को क्वार्टर के समीप रहने वाले एक 5 वर्षीय बच्चे को वर्ष 2014 में घर से बाहर खेलने के दरमियान गली के कुत्तों ने नोच कर मार डाला था। शहर में ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। वहीं बिरसा नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत के मामले में कार चालक ने बताया था एक कुत्ते के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी। उधर बिरसा नगर थाना क्षेत्र के गिट्टी मैदान के समीप 4 वर्षीय मासूम नवजात मोनू को कुत्तों ने नोच कर मार डाला था। अस्पताल जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। आवारा कुत्तों की संख्या जमशेदपुर शहर में लगभग 31,000 से ज्यादा की है। वहीं स्थानीय नगर निकाय जेएनएसी के पास इन कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2018 में आवारा कुत्तों के लिए बांध्यकरण की व्यवस्था की गई थी। फिलहाल वर्तमान में कुत्तों को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निकाय फेल साबित हो रहा है। परसुडी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि स्थानीय नगर निकाय फेल साबित हो रहा है। घर से बाहर निकलते वक्त सहज ही डर लगता है। जब से शहर में कुत्तों की सही में बहुत सारी आबादी हो गई है, पूरे हर गली उली में कुत्ता घूम रही है, इससे डर का माहौल है। हम जेनेसिस से मांग करेंगे कि कम से कम कुत्ता के ऊपर में कार्रवाई हो, उनको पकड़े, ताकि जैसे टू व्हीलर में जो जाते हैं वो लोग को दिक्कत होती है, जो चार चक्का में जो जा रही है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू व्हीलर में पैदल में जो जा रहे हैं उनको भय का माहौल है। आए दिन बच्चा लोग को भी काफ़ी डर लगती है। तो ऐसा स्थिति में कम से कम ये को जेनेसी को कब से कार्रवाई करनी चाहिए। तो इतना बढ़ गई है कि आदमी जो कार होती है उसको भी डर लगे रहता है कि कहीं काट ना दे, और ये अक्सर है हर गली चौराहे पे पूरा भरी हुई है कुत्ता। उसको जेनेसी मुंह मोड़ के बैठी है, आँखों बंद करके बैठी हुई है। किसी दिन भी किन्हीं प्रकार का किन्हीं को भी बच्चा या बड़ा बूढ़ा जिसको को भी हादसा हो सकती है, इसके पीछे जेनेसी का ही पूरा हाथ है, लेकिन जेनेसी उनको कुछ नहीं देखभाल नहीं कर रही है। जल्दी हो सके जंगली कुत्तों को पकड़ के हटाया जाए बस्ती से। जी हाँ, बच्चे लोग उनको तो काफ़ी डर है। कभी कभी छोटे बच्चे लोग बाहर निकल जाते हैं, कुत्ता का झुंड रहता है, मुंह खोल के हपकने लगता है उन लोग को, तो इस तरह से डर रहता है। तो माँ घर में काम करते रहती है, बच्चा निकल जाता है, कुत्ता काफ़ी मात्रा में रहता है वहाँ। तो विशेष करके यही कहना चाहेंगे कि कुत्तों को हटाया जाए जेनेसी के द्वारा। वहीं कई बार खेलते वक्त जमशेदपुर के शहर में बच्चों के साथ दुर्घटना भी हो चुकी है, जिसके बावजूद स्थानीय प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है। सहयोग से उनकी गाड़ियां घूमती है, उन पर स्टेरिलाइजेशन करके छोड़ दिया जाता है, जबकि पॉइजनस मार रहे हैं। कोई अस्पताल वगैरह है? हाँ, उनका अस्पताल है एसेट मेल रोड में, एसेट मेल रोड तक वहाँ जाने वाले रास्ते में एक उनके हॉस्पिटल है, जो कि ऐसे लोग हैं जिनका पालतू हैं, पेशेंसी हैं, वो अपना जाकर वहाँ ट्रीटमेंट प्रॉपरली करा लेते हैं। रोड वाले लोग को
स्वतः अपना योजना चला चला कर, डायक चला चला कर स्टरलाइजेशन करना है।